आज के दिन की फर्स्ट अपडेट चैनके के बारे में है। तो चैनके की तरफ से म्यूजिक वीडियो आने वाली है। चैनके ने वर्कआउट की एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा है, वार्मिंग अप फॉर द नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो। एंड चैनके ने काके थाउजेंड और आसिफ बाली के साथ जो ट्रैक किया था दस्तक, तो इसको शेयर करते हुए अभी आसिफ बाली का कहना है, रिमेम्बर दिस वन। तो अब बात कर लेते हैं यंग स्टनर्स के बारे में। तो स्पॉटिफाई की एक प्लेलिस्ट के ऑल ओवर पाकिस्तान सब प्रोविंसेस में टॉप आर्टिस्टों की लिस्ट देखने को मिली है। तो हर प्रोविंस में आतिफ असलम नंबर वन पे है, लेकिन पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में वाईएस नंबर टू पे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में वाईएस नंबर थ्री पर है। इसके अलावा कैफी खलील का कहानी सुनो 2.0 ट्रैक ग्लोबल टॉप म्यूजिक वीडियोस की लिस्ट में नंबर 8 पे ट्रेंड कर रहा है। तो इस गाने को आयमा बेग ने भी रीमेक किया था। तो अभी कैफी खलील का कहना है कि आयमा बेग के रीमेक करने के बाद उनके गाने को बहुत ज्यादा पुश मिला था। तो इस पे वाईएस के डायरेक्टर अब्दुल वली बलोच का कहना है, हाँ ग्लोबली आपने ट्रेंड करवाया, वरना तो किसी को पता ही नहीं था। बस आपसे सवाल यह है कि थोड़ा अपने गानों पे मेहनत करके उनको भी इतना मशहूर क्यों नहीं करवा देती हैं आप, प्लीज आइंदा ऐसे और गाने बर्बाद ना करना। तो अगली न्यूज हाशिमी साग के बारे में है। तो ईद उल फितर पे मोहसिन अब्बास हैदर की एक मूवी रिलीज होने वाली है दादल, जिसके टाइटल ट्रैक में हाशिमी साग फीचर्ड होंगे। हाशिमी साग का कहना है, डेट द टाइटल ट्रैक फॉर दिस ड्रॉप मूवी दादल। तो नेक्स्ट अपडेट हनी सिंह के बारे में है। तो हनी सिंह ने इंटरव्यू में अपने एक पुराने मंबल सॉन्ग चल मेरे घर के बारे में बात की है, तो आप लोग भी सुन लो। तो लास्ट में पूछना चाहूंगा एक चीज की, आजकल ना नए नए लड़के उठे हैं, बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, एमसी स्टैन मंबल रैप लेके आया इंडिया में, ठीक है। तो उनको मैं बता देता हूँ कि मंबल रैप 9 साल पहले आ गया था, चल मेरे घर आकर गाना सुनाओ। आपको पता है सर, मैं तो आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। तो चल मेरे घर मंबल रैप अगर सुनना है तो 9 साल पहले जाओ, हनी सिंह ने कब के करके छोड़ चुका है। आपको पता है उस गाने का, मेरा फेवरेट सॉन्ग है मेरे करियर का, मुझे पसंद है जो। जी सर, मैं अपने गाने नहीं सुनता हूँ बिल्कुल भी, मैं अपने गाने वही सुनता हूँ जो बहुत ही नजदीक हो मेरे दिल के। थैंक यू दोस्त, आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया मेरे लिए, आई लव यू। तो अब बात कर लेते हैं बेला के बारे में। तो बेला ने 2021 में रैप डीमन के लिए एक डिस ट्रैक ड्रॉप किया था, रैप लेमन, जो कि बेला ने बाद में रिमूव कर दिया था। तो कल वो गाना ऑटो जनरेटेड यूट्यूब पे अपलोड हो गया था, जिसके बाद बेला का कहना था, पुराने गाने ऑटो जनरेटेड होके आ जाते हैं, पता नहीं कैसे 24 आवर्स में हट जाएंगे। तो नेक्स्ट अपडेट मोजी के बारे में है। तो मोजी का एक ट्रैक आउट हो चुका है क्रीपिन, जिसमें मोजी ने फारी शफी का नेम ड्रॉप किया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे एसन का एक प्रमोशनल ट्रैक आउट हो चुका है। तो गानों के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।